तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मेरा नाम अभिषेक और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज हम कक्षा 11 के सबसे पहले चैप्टर सेट के बारे में बात करने वाले हैं, समुच्चय। समुच्चय क्या है और समुच्चय में हमें क्या क्या पढ़ना है, इन सब सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय का शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें कि समुच्चय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समुच्चय का शाब्दिक अर्थ समूह से है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप। अब ये जो समूह है वो क्या होना चाहिए, समुच्चय होने के लिए जो समूह है ना वो परिभाषित होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, परिभाषित समूह होना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि समुच्चय की यदि हमें परिभाषा लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को क्या कह रहे हैं, समुच्चय। समुच्चय कहते हैं। देखिए अब ये सब समूह के बारे में, जैसे समूह के बारे में आप जान ही रहे हैं कि समूह क्या होता है, लड़कों का समूह हो सकता है, लड़कों का समूह, जानवरों का समूह। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह क्या है, बहुत सारी साइकिलें खड़ी हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं, साइकिलों का जो है वो समूह है, साइकिल का समूह। तो ये जो समूह है, ये समूह क्या है, परिभाषित होने चाहिए। क्या होने चाहिए, परिभाषित होने चाहिए, क्योंकि हमने परिभाषा में ही लिखी है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, समूह को ही क्या कहते हैं, हम लोग समुच्चय कहते हैं। देखिए जैसे हम लड़कों के समूह की बात कर रहे हैं, तो लड़कों के समूह में ऐसा नहीं है कि लड़कों के समूह में हम साइकिल को भी रख लेंगे। एक जगह साइकिल का स्टैंड है, तो उस साइकिल के स्टैंड में हम पूरी साइकिलों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसे क्या कह रहे हैं, उसे इस प्रकार परिभाषित कर रहे हैं कि वो पूरा जो समूह है वो साइकिलों का है। अगर वहाँ हम किसी दूसरे की बात करेंगे, जैसे वहाँ कार खड़ी है, तो कार का एक अलग समूह होगा, लेकिन साइकिलों के साथ उनको नहीं बोलेंगे। तो समुच्चय हमें बताने के लिए बताना पड़ेगा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को क्या कहेंगे, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को हम लोग क्या करते हैं, समुच्चय को आगे हम लोग पढ़ेंगे, समुच्चय का निरूपण। निरूपण का मतलब है कि समुच्चय को हम लोग दिखाते कैसे हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, हम यहाँ इसके बारे में जानेंगे। अभी तो हम जाने हैं कि सिर्फ समुच्चय क्या है, जैसे समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हमने समुच्चय कह दिया, तो लिखेंगे कैसे। मान लीजिए हमें कोई लिखने के लिए कह दिया कि समुच्चय का निरूपण कीजिए आप, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात आप जान लीजिए कि समुच्चयों का निरूपण जो होता है ना, उसमें हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, और समुच्चय को हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए कि समुच्चयों का निरूपण दो प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से हो सकता है। पहले वाले प्रकार में हम कह रहे हैं कि समुच्चयों का जो निरूपण है वो किस विधि से हो सकता है, सारणी विधि, या इसी को कहते हैं तालिका विधि, या इसी का दूसरा भी नाम है जिसे हम लोग रोस्टर विधि भी कहते हैं। अगला जो है वो समुच्चय का दूसरा है, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। तो यहाँ समुच्चयों को प्रदर्शित करने के लिए दो विधियाँ हैं, कौन कौन सी, एक तो सारणी विधि है जिसे हम लोग तालिका विधि या रोस्टर विधि के नाम से जानते हैं, एक और विधि भी है जिसे हम लोग समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं या गुण विधि कहते हैं। हमने आपको बताया कि जो समुच्चय हैं, समुच्चयों का निरूपण वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से करते हैं और हमेशा उसे क्या करते हैं, मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। मान लीजिए हम कोई समुच्चय लिख रहे हैं, कौन सा समुच्चय, ए। समुच्चय क्या लिख रहे हैं, ए, जिसे हम लोग क्या लिख रहे हैं, मझले ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए कि यदि हमें
सारणी विधि में लिखना हो समुच्चय को, कैसे लिखना हो, सारणी विधि में लिखना हो तो हम समुच्चय को सारणी विधि में कैसे लिखेंगे, मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ लिखेंगे, मझले ब्रैकेट के अंदर किसके साथ लिखेंगे, कॉमा के साथ लिखेंगे। तो ये जो हमारा समुच्चय होगा वो क्या होगा, सारणी विधि या तालिका विधि के, तालिका विधि के नाम से जाना जाएगा। दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि, हम इसी समुच्चय निर्माण विधि जो सारणी विधि है इसी उदाहरण को हम आपको समुच्चय निर्माण विधि में लिख के दिखा रहे हैं कि समुच्चय निर्माण विधि में इसी उदाहरण को कैसे लिख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा 2, 4, 6, 8, तो ये हमने क्या लिखा है, ये सब सम संख्याएं हैं, क्या हैं, सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं हैं लेकिन हमने सम संख्याएं हैं, लेकिन तालिका विधि में लिखने का जो तरीका होता है या रोस्टर विधि में लिखने का जो तरीका होता है उसमें समुच्चय के अवयवों को क्या किया जाता है, कॉमा के साथ लिखा जाता है, किसके साथ लिखा जाता है, कॉमा के साथ लिखा जाता है। इसी प्रकार से समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय को परिभाषित करने के लिए उसे उसकी परिभाषा में लिखा जाता है, शब्दों के हिसाब से लिखा जाता है। जैसे ये हमारे पास जो लिखा गया है 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्याएं हैं, तो हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, समुच्चय ए, एक समुच्चय है जिसका नाम ए है, हम क्या लिखेंगे, मझला ब्रैकेट लिखेंगे, फिर आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स, ये हमारा क्या है, इसे इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, या सेमी कॉलन लगाते हैं फिर उसे पढ़ते हैं क्या, यक्स सच दैट यक्स, इसे दोनों विधियों से लिखा जाता है। और आगे लिखते हैं जहाँ जो ये यक्स है, जो जहाँ यक्स क्या है, सम संख्याओं का समुच्चय है, सम संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे समुच्चय निर्माण विधि में इसी चीज़ को क्या करेंगे, लिखेंगे, लेकिन उसे लिखने का जो तो हमारा तरीका होगा वो कैसा होगा, परिभाषा के हिसाब से, कैसा होगा, परिभाषा के हिसाब से। जैसे एक दूसरा भी उदाहरण देखिए, हम एक दूसरा समुच्चय लिख रहे हैं बी, इसमें लिख रहे हैं क्या, लिख रहे हैं 2, 3, 5, 7 ऐसे डाट 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 कर रहे हैं, या फिर एकाक अंक और भी लिख देते हैं 7 के बाद 11 फिर 13 ऐसे लिखे हैं हम लोग। तो जो ये हमारा समुच्चय है ये किस विधि में लिखा गया है, इसे आप देखेंगे तो ये जो विधि है वो कौन सी विधि है, रोस्टर विधि। कैसे स्पष्ट हुआ, सबसे पहले आप समुच्चय को देखिए ध्यान से, समुच्चय का निर्माण जिनसे मिलकर हो रहा होता है वो समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। तो यहाँ जो 2, 3, 5, 7 ये सब जो हमारे पास लिखे गए हैं ये सब क्या हैं, समुच्चय के अवयव हैं। तो इसे हम लोग किस हिसाब से परिभाषित करके लिख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे 2 क्या है, सम संख्या में आती है, उसके बाद क्या लिखा, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 11 भी विषम संख्या है, लेकिन 9 भी आना चाहिए था बीच में, 9 नहीं है, वो भी विषम संख्या है। तो हमें स्पष्ट हो रहा है कि जो ये श्रेणी लिखी गई है वो श्रेणी ना तो सम संख्याओं की है और ना तो विषम संख्याओं की है, ये श्रेणी है अभाज्य संख्याओं की, किसकी है, अभाज्य संख्याओं की है। इसलिए इसे समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में जब लिखेंगे तो लिखेंगे समुच्चय बी क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स, जहां जो यक्स से ये यक्स, जहां यक्स क्या है, अभाज्य संख्याओं का क्या है, समुच्चय। तो हम ये ऐसे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहली बात आप क्या क्या सीखे, समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चयों का निरूपण कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, पहला कौन सा है, सारणी विधि, दूसरा कौन सा है, समुच्चय निर्माण विधि। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि समुच्चयों का निरूपण कैसे किया जाता है। अब ध्यान से देखिए कि जो समुच्चय होता है उसका निर्माण कैसे होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय में जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उन चीज़ों के नाम यदि हम लिखें, तो मान लीजिए हम चाय बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो चाय के अंदर प्रयोग की जाने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो दूध ले लेंगे आप, फिर क्या ले लेंगे, चीनी लेंगे, और क्या लेंगे, अदरक लेंगे, और क्या लेंगे, चाय पत्ती लेंगे। इन सब चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो जो हमें बन के मिलता है वो क्या मिलती है, जिसे हम लोग चाय कहते हैं। तो चाय बनने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ रही है ये सब क्या कहलाते हैं, चाय के अवयव। बिना अवयवों के हम क्या कर सकते हैं, चाय नहीं बना सकते। यदि हमारे पास चाय पत्ती ही ना हो तो क्या चाय बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो ध्यान से देखिए कि चाय बनाने के लिए जैसे इन दूध चीनी अदरक या चाय में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की आवश्यकता होती है,
तो इन्हें चाय का क्या कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। उसी प्रकार से समुच्चय के निर्माण में जिन जिन की जरूरत पड़ती है उन्हें समुच्चय का अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समुच्चय का अवयव कहा जाता है, समुच्चय के अवयव। अवयव को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। इसलिए अवयव को नोटेट या प्रदर्शित करने के लिए हम अवयव के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये जो चिन्ह है यह हमें बताता है कि अवयव है और नहीं है के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई समुच्चय लिखा ए, और उस समुच्चय में जो अवयव लिखे जा रहे हैं वो ए, ई, आई, ओ और यू है। ठीक है, समुच्चय में हमारे पास क्या लिखे गए हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ध्यान से देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि जो समुच्चय ए है वो किससे मिलकर बना है, तो आप कहेंगे कि ये जो समुच्चय ए बना है वो किससे मिलकर बना है, स्वरों का समूह। किसका है, स्वरों का समूह। तो अगर हम आपसे पूछें कि क्या ये बात सत्य है कि ए जो है वो अवयव है ए का, तो बात क्या होगी, सत्य होगी। क्यों, क्योंकि जो ए है वो समुच्चय ए में से ही तो लिया गया है। जो ए है वो समुच्चय ए का अवयव है कि नहीं है, तो हम यहाँ क्या बता रहे हैं, समुच्चय ए जो जो ये अवयव है वो किसका अवयव है, ए का अवयव है। उसी प्रकार से हम ई की बात करें तो जो ई है वो भी किसका अवयव है, ए का अवयव है। जो आई है वो भी किसका अवयव है, वो भी ए का है। तो ये अवयव दिखाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, सी लिख दिया, क्या लिख दिया, सी। और आपसे कोई पूछ ले क्या सी अवयव है ए का, तो आप क्या कहेंगे, नहीं, सी अवयव नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ आपको समझ में आया कि चाय बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, जैसे चाय बनाने के लिए हमें मसाला की तो जरूरत नहीं पड़ रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मसाला जो है वो अवयव नहीं है। किसका, चाय का। जब चाय का अवयव नहीं है मसाला, तो हम लोग ऐसे बता रहे हैं कि मसाला जो है वो चाय का अवयव नहीं है। तो सेम कंडीशन में भैया यहाँ भी बताएंगे कि जो सी है वो अवयव नहीं है, किसका, ए का। तो ध्यान से देखिए, इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इसे फिर से लिख सकते हैं, ई हमारा अवयव है ही। अगर कोई और इनमें से जो यहाँ आपको दिख रहे हैं, यदि इनमें से कोई भी इनको छोड़कर कोई अन्य अवयव लिखा जाएगा, तो वो हमारा अवयव किसका नहीं होगा, समुच्चय ए का अवयव नहीं होगा। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप समुच्चय के अवयवों के बारे में भी अच्छे से समझ गए होंगे कि समुच्चय के अवयव कैसे बनते हैं। समुच्चय का निर्माण जिनसे मिलकर होता है वे समुच्चय के क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। ध्यान से आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे समुच्चयों का प्रकार। क्या पढ़ेंगे, समुच्चय के प्रकार। देखिए, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार। वैसे तो समुच्चय के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें, तो जो समुच्चय का प्रकार है उसमें हमें पढ़ना पड़ रहा है, दो चार समुच्चय के प्रकार में है, जिसमें से हम लोग सबसे पहले अगर देखें तो उसमें सबसे पहला हमारा जो समुच्चय है वो है रिक्त समुच्चय। कौन सा है, रिक्त समुच्चय। हम लोग किसके हिसाब से ये जो पढ़ रहे हैं समुच्चयों का प्रकार, ठीक है, उसे पढ़ रहे हैं कि समुच्चय में जो अवयव लिखे जा रहे हैं उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि समुच्चय का जो प्रकार होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रकार है वो कौन सा है, रिक्त समुच्चय। ध्यान से देखिए, रिक्त समुच्चय, आप समुच्चय को प्रदर्शित करना तो जान ही चुके हैं कि समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उसे लिखते किससे हैं, मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने एक समुच्चय लिखा जिसमें क्या लिखा, समुच्चय ए, और उस मझले ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, एक भी अवयव नहीं लिखा, तो जो ये समुच्चय कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। और रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। फाई का शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो वो समुच्चय क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के लिए पहले तो हम परिभाषा लिख देते हैं आपके लिए, रिक्त समुच्चय क्या लिखेंगे, वह समुच्चय, या आप लिख सकते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव, जिसमें एक भी अवयव क्या हो, एक भी अवयव उपस्थित नहीं हो, एक भी अवयव उपस्थित ना हो, ना हो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है।
रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक, और रिक्त समुच्चय को हम लोग प्रदर्शित कैसे कहते हैं, लिखेंगे रिक्त समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को किसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ क्या रिक्त समुच्चय। ठीक है, आप किसी भी समुच्चय जैसे हमने आए लिखा है तो ये क्या हमारा कहलाएगा फाई। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग उदाहरण लिखना चाहें, उदाहरण उदाहरण क्या लिख देते हैं, उदाहरण लिख लेते हैं भैया ए ऐसे। ठीक है, फिर लिख देते हैं क्या समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में कोई उदाहरण लिख लेते हैं, लिख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों में व्यंजन का समुच्चय, स्वरों में व्यंजन का समुच्चय। तो आप अगर आप इसे क्या करेंगे, आप इसे अगर रोस्टर विधि में लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे इसे रोस्टर विधि में, आप वर्णमाला के स्वरों में व्यंजन का, तो स्वर हमारे पास कौन होते हैं ए ई आई ओ यू, तो आप अगर इसमें ढूंढेंगे ए ई आई ओ यू में व्यंजन ढूंढेंगे तो आपको व्यंजन क्या मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, तब आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे ए जो है वो क्या है एक रिक्त समुच्चय जिसमें हमारे पास क्या है कोई भी अवयव नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं समुच्चय के प्रकार में। तो दूसरा समुच्चय का प्रकार लिख रहे हैं एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। आपको नाम से स्पष्ट है यहाँ क्या लिखा हुआ है एकल समुच्चय, क्या है एकल समुच्चय। तो ध्यान से देखिए कि जो ये एकल समुच्चय है वो कैसे परिभाषित होता है, जैसे रिक्त समुच्चय की आपने परिभाषा लिखी है वही है, हमें क्या लिखना है यहाँ रिक्त समुच्चय में भी लिखना है कैसे वह समुच्चय। पहले तो मैं आपको उदाहरण से क्या कर दूँ, कन्फर्म कर दूँ कि आप एकल समुच्चय कैसे लिखोगे। जैसे हमने क्या लिखा, एक समुच्चय लिखा बी, और बी में क्या लिख दिया, सिर्फ हमने एक अवयव लिखा, कितना लिखा एक अवयव लिखा, तो जो ये हमारा गिनती के हिसाब से हमारे पास जितने अवयव हैं उसी में हम लोग क्या कह रहे हैं एकल समुच्चय कह रहे हैं। जैसे हमने कोई और भी सेट लिखा डी सेट लिखा और उसमें क्या लिख दिया ए, तो हमारे पास यहाँ कितने अवयव हैं एक अवयव हैं, इसी एक अवयव की विशेषता के कारण ही इस प्रकार के समुच्चयों को क्या कहा जाता है एकल समुच्चय कहा जाता है। उदाहरण की परिभाषा लिख देते हैं हम, परिभाषा क्या है वह समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें, वह समुच्चय जिसमें एक अवयव उपस्थित हो, एक अवयव उपस्थित हो एकल समुच्चय कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, आप समुच्चय को कैसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा है बी समुच्चय, समुच्चय डी लिखा है, तो ये दोनों समुच्चय जो हमारे लिए हैं वो कैसे हैं एकल समुच्चय हैं। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें क्या है जिसमें एक अवयव उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाता है एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े तो समुच्चयों के प्रकार में ये हमारा कौन सा था दूसरा था, ये हमारा कौन सा था दूसरा था। इसके आगे बढ़े तो हमारे पास तीसरा समुच्चय है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। देखिए परिमित समुच्चय क्या है, जैसे हमने यहाँ देखा कि रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव उपस्थित नहीं होता वो समुच्चय क्या कहलाता है हमारे लिए रिक्त समुच्चय कहलाता है। यदि समुच्चय में एक अवयव उपस्थित हो तो वो हमारा क्या कहलाता है एकल समुच्चय कहलाता है। उसी प्रकार से हमारे पास क्या है परिमित समुच्चय, क्या है परिमित समुच्चय। अब ध्यान से देखिए, जैसे हमने पहले उदाहरण लिख रखा है, क्या लिख रखा है उदाहरण, हमने क्या लिखा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, यहाँ तक हमने संख्या लिखी और क्या कर दिया ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये जो हमारा समुच्चय है वो कैसे समुच्चय है
हम लोग इसे देखेंगे, ये कहेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। कैसा है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या है? कंडीशन सप्लाई है। क्या है? कंडीशन सप्लाई है कि हम लोग जब इसे लिखेंगे किस विधि में, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में, तो लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स, जहां यक्स जो है वो क्या है, यक्स प्राकृतिक, यक्स प्राकृतिक संख्याओं का, यक्स प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। यक्स क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का हमारे पास क्या है? समुच्चय है। लेकिन यहाँ कंडीशन हमें बतानी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन? कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसे हमने कहाँ तक लिया है। ध्यान से देखिए कि हमने प्राकृतिक संख्याओं को लिया तो है, लेकिन जो यक्स का मान है वो छोटा है या बराबर है कितने तक? 11 तक के लिए। ठीक है ना? तो ये हमारी क्या रहेगी? कंडीशन रहेगी। नहीं तो यहाँ अवयव की संख्या क्या हो जाएगी? अपरिभाषित, मतलब अनंत तक हम लिख सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया है? 11 तक। कहाँ तक? 11 तक। तो ध्यान देखिए परिमित समुच्चय के बारे में, किसके बारे में? परिमित समुच्चय के बारे में परिभाषा होगी कि ऐसा समुच्चय या वह समुच्चय जिसके अंतर्गत हम अवयवों की संख्या क्या कर सकें? गिन सकें। या ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। वो समुच्चय हमारे लिए क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम दूसरा उदाहरण लिखना चाहें, हम लिख देते हैं बी, लिख देते हैं बी यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का क्या समुच्चय। अब आप ध्यान से देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इसे अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ए ई आई और यू लिख देंगे। बताइए आप इनके अवयवों को गिन लेंगे कि नहीं लेंगे? इसलिए ये जो समुच्चय है हमारा वो कौन सा समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? परिभाषा। अगर परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा लिख लेंगे क्या, कि वह समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें, वह समुच्चय जिसमें अवयवों, अवयवों की संख्या निश्चित होती है। अवयवों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, निश्चित होती है, निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर अगर आप उदाहरण लिखें, उदाहरण में लिख लें ए यक्स सच दैट यक्स, जहां यक्स प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और यक्स का जो मान है वो छोटा है और क्या है, बराबर है कितने से? 11 के। अगर आप इसे किस फॉर्म में लिखना चाहें, रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें या तालिका में लिखना चाहें, तो 1 2 3 डॉट 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 कहां तक? सिर्फ 11 तक, इससे आगे नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? परिमित संख्याओं का है। दूसरा उदाहरण हमने लिखा है बी यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। ठीक है, बी क्या है? ए ई आई ओ यू। इसी प्रकार से आप बहुत सारे उदाहरण और भी लिख सकते हैं। जैसे अगर उदाहरणों की बात करें आगे, तो ध्यान से देख लीजिए सी में हम और भी लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, लेकिन अंतिम में क्या लिख सकते हैं? कॉमा, यक्स का जो मान है वो कैसा है? यक्स का जो मान है उसे हम लोग लिख लेते हैं छोटा है, कितने से? 50 से। कितने से? 50 से। तो हम लोग देखेंगे कि जो सम संख्याओं का समुच्चय है उसमें हमें संख्याएं तो लिखनी है, 2 से शुरू करके कहाँ तक लिखनी है? 50 से कम ही लिखनी है, 50 से आगे की नहीं लिखनी है। इसलिए इसके भी अवयवों को क्या कर सकते हैं? हम लोग गिन सकते हैं। इसलिए यह समुच्चय भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, अब समुच्चय के प्रकार की अगली कड़ी में अगर हम लोग आगे बढ़े, तो हमने आपको रिक्त समुच्चय पढ़ाया, दूसरा हमारा क्या था? एकल समुच्चय था। तीसरा हमारा कौन सा है? परिमित समुच्चय है। इसी प्रकार से आगे बढ़े तो चौथे समुच्चय की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? अपरिमित। क्या कह रहे हैं? अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ध्यान से देखिए अपरिमित समुच्चय क्या है। जैसे आपने परिमित पढ़ा कि परिमित में अवयवों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा परिमित समुच्चय कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ क्या है? अपरिमित है। क्या है? अपरिमित है। अपरिमित का
सीधा सीधा मतलब है कि जिसमें अवयवों की संख्या को क्या किया जा सके, गिना न जा सके। क्या किया जा सके? गिना न जा सके, गिना न जा सके। अर्थात क्या कह सकते हैं हम लोग? कह सकते हैं कि ऐसा समुच्चय या वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? निश्चित नहीं होती है, वो समुच्चय हमारा क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं क्या, उदाहरण में लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, कोई कंडीशन नहीं बतानी है, सिर्फ सीधे सीधे लिखना है। क्या लिखना है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। फिर क्या लिखना है? सम संख्याओं का समुच्चय। आप लिख सकते हैं पृथ्वी पर जानवरों की जानवरों का समुच्चय। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो जो हमारा है जिनमें अवयव की संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, वे समुच्चय हमारे क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। परिभाषा हम लिख देते हैं क्या? वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। उदाहरण हम यहाँ लिख देते हैं आपके लिए। उदाहरण में आपको क्या लिखना है? यक्ष सच दैट यक्ष, जहाँ यक्ष क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग और भी उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं? यक्ष सच दैट यक्ष, जहाँ यक्ष विषम संख्याओं का समुच्चय। तो ये जो हमारा जो समुच्चय है, ये सब समुच्चय हमारे क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, अपरिमित समुच्चय तो ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें एक अवयव उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। अर्थात जिनमें अवयवों की संख्या को क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? परिमित समुच्चय कहलाते हैं। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? निश्चित नहीं होती, अर्थात हम उनके अवयवों को क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं, हमारा क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने देखा समुच्चय किसे कहते हैं और समुच्चयों का निरूपण कैसे किया जाता है, और हमने समुच्चय के चार प्रकारों के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से थे वो? रिक्त समुच्चय, और अगला एकल समुच्चय, और अगला परिमित समुच्चय, और अगला अपरिमित समुच्चय। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।